क्लोरोफिल इज एब्सेंट, दैट मींस जाहिर से बात है ये फोटोसिंथेटिक तो नहीं होंगे, फोटोसिंथेटिक होने के लिए इनको क्लोरोफिल होना चाहिए था। दिस प्लाज्मोडियम की वेजिटेटिव स्टेज है, देयर इज नो सेल वॉल, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी दैट द प्रोटोप्लास्ट इज नेकेड। जब एक फंजाई की हाइफी में दो दो न्यूक्लियाई दिखाई देने लगे, डाइकेरियन स्टेज बनने लगे, तो समझ जाना वो हाइफी अपने किस स्टेज में है, रिप्रोडक्शन वाले स्टेज में है। ये अरेंजमेंट आप देखो उल्टा है, यंगेस्ट नीचे है छोटी वाली और बड़ा वाला ऊपर है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेसिपिटल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोएंस एंड सम ऑफ द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द किंगडम फंजाई। किंगडम प्रोटिस्टा हमने कल पढ़ा हुआ है बच्चों, उसमें हमने सिर्फ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात की थी। हमें आज डिस्कस करना है कि व्हाट आर कंज्यूमर डिकम्पोजल प्रोटिस्ट एंड व्हाट आर प्रोटोजोएंस। ये दोनों ही क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, सो दे आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू गोना स्टडी टुडे, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। कल ही बताया था बच्चों, इसको मोल्ड वर्ड क्यों कहा गया है, इसको फंजाई से रिलेट क्यों किया गया है, क्योंकि मोल्ड वर्ड हम फंगस के लिए यूज करते हैं। क्योंकि आप अभी आपको इनकी लाइफ साइकिल दिखाऊंगी, सिर्फ दिखाऊंगी समझाने के लिए, आपने याद नहीं रखनी है बिकॉज वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, मोल्ड वर्ड इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। ठीक है, सिंस फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट, और फ्रूटिंग बॉडीज बनती है फंजाई में, आप पढ़ोगे जब किंगडम फंजाई पढ़ोगे, दैट इज why दे आर सेट टू बी दैट दे रिजेंबल फंजाई, या ये भी कह सकते हो कि फंजाई इनसे बने होंगे। दैट इज why कल बताया था कि स्लाइम मोल्ड्स को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटिस्टेंट फंजाई। क्या बोलते, प्रोटिस्टेंट फंजाई। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों कि दे आर ए क्लोरोफिलस, एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है वो लिख रहे हैं अभी, लिखेंगे अभी। ए क्लोरोफिलस का मतलब बच्चों क्लोरोफिल इज एब्सेंट, एंड सिंस क्लोरोफिल इज एब्सेंट दैट मींस जाहिर से बात है ये फोटोसिंथेटिक तो नहीं होंगे, फोटोसिंथेटिक होने के लिए इनको क्लोरोफिल होना चाहिए था। सो हाउ दे टेक देयर न्यूट्रिशन, दे मूव ओवर डिकेइंग ट्विग्स मतलब जो गिरे पड़े हैं स्टेम वुड, ठीक है, टू इनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है ना बच्चों, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, चाहे पत्ती मान लो, पत्ती भी तो प्लांट का वेस्ट पार्ट है, इट इज मतलब वो गिर चुकी है, वो मर चुकी है। अब वो मर चुकी है तो उस पर स्लाइम मोल्ड्स मूव करेंगे, घूमेंगे। क्यों घूम रहे हैं, उससे ऑर्गेनिक मैटर को इनकल्फ करने के लिए, और फिर उसको खा करके अपनी एनर्जी लेंगे, न्यूट्रिशन करेंगे। दैट मीन्स दे आर फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन दे हैव, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चों स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, मतलब एक डायग्राम, जिससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये जो ब्राउन कलर की है ना, ये पत्ती है, दिस ब्राउन कलर, दिस इज पत्ती, ब्राउन झड़ी हुई है, सूखी हुई पत्ती है जिसका डिकम्पोजिशन होगा। अब ये येलो कलर का क्या है, दीज आर स्लाइम मोल्ड्स, ये स्लाइम मोल्ड्स फैलते चले जा रहे हैं। ठीक है, वाई, बिकॉज दे क्रीप ओवर, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हमने मूव लिखा हुआ है ना, मूव की जगह एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दे क्रीप ओवर डेब्रिस, डेब्रिस मतलब फॉलन लीव्स हो सकता है, फॉलन स्टेम हो सकता है। क्यों घूमते हैं, क्यों क्रीप करते हैं, क्यों रेंगते हैं, जैसे उनसे इनगल्फ कर सके क्या, ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, दे क्रीप ओवर डेब्रिस। ठीक है, उसके बाद हमने इसका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिस्कस कर लिया। अब एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है बच्चों कि ये दो चीज शो करते हैं, एक एग्रीगेशन और एक डिफरेंशिएशन। जब फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो पूरा का पूरा उनका बॉडी एग्रीगेट कर जाता है और क्या बना लेता है, प्लाज्मोडियम। तो लिख लेना, यही क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे शो एग्रीगेशन। ठीक है, और क्या बनता है, दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। क्या बनाते हैं बच्चों, प्लाज्मोडियम। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि प्लाज्मोडियम कब बनता है, प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में बनता है, और कैसे बनता है, एग्रीगेशन की वजह से बनता है। कैसे, एग्रीगेशन की वजह से।
जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्स क्या शो करते हैं? दे शो डिफरेंशिएशन, दे शो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन शो करके ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज. सो सिंस फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्म, फ्रूटिंग बॉडीज क्या होते हैं बच्चों? जिनके अंदर स्पोर्स बनता है, ठीक है? क्योंकि फ्रूटिंग बॉडीज बनता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये फंजाई की तरह बिहेव करी. तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको कंडीशन याद रखनी होगी और आपको फिनोमिना की डिफरेंशिएशन से क्या बन रहा है और डिफरेंशिएशन से क्या बन रहा है और एग्रीगेशन से क्या बन रहा है. अब फ्रूटिंग बॉडीज मैंने अभी आपको बताया, फ्रूटिंग बॉडीज विल प्रोड्यूस स्पोर, दे गोना प्रोड्यूस स्पोर. तो जो स्पोर होगा ना, दैट पजेस ट्रू सेल्युलोजिक वॉल, दैट प्रोजेस ट्रू सेल्युलोजिक वॉल. क्योंकि जो इनका प्लाज्मोडियम स्टेज होता है, दैट इज वेजिटेटिव स्टेज, इनके बचपन वाला स्टेज, और ये जो वेजिटेटिव स्टेज होता है बच्चों, ये नेकेड होता है. नेकेड का मतलब क्या है? नेकेड का मतलब है देयर इज नो सेल वॉल. पढ़ोगे तो लिखा हुआ होता है दे हैव नेकेड प्रोटोप्लास्ट. नेकेड प्रोटोप्लास्ट क्यों? प्रोटोप्लास्ट को नेकेड क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट. सेल वॉल इज एब्सेंट. सेल वॉल किसमें नहीं होती? एनिमल्स में नहीं होती. इसीलिए इस स्टेज को बोला जाता है दैट दिस स्टेज resembles whom? This stage resembles animals. This stage resemble animals. लेकिन जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, तब रिप्रोड्यूस करने के दौरान ये बनाते हैं स्पोर्स, ठीक है? तो यहां से हम ये इन्फर करेंगे दैट इनका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, इनका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, इनके पास वॉल आ रही है, वो भी कैसी? सेल्यूलोज वाली. और सेल्यूलोज वॉल किसमें होता है? प्लांट्स, ठीक है? तो दिस स्टेज रिजेंबल्स टू प्लांट स्टेज. वेजिटेटिव स्टेज रिजेंबल्स टू एनिमल्स, ठीक है? एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज, सिंस स्पोर्स पजेस टू सेलुलोजिक वॉल, दे आर सेड टू बी प्लांट स्टेज. इसके अलावा दे हैव फ्रूटिंग बॉडीज, तो ये किससे रिजेंबल करा रहा है? दिस रिजेंबल्स टू फंजाई. तो देखो, एक ही प्रोटिस्टा है स्लाइम मोल्ड्स, बट वो एनिमल से भी रिजेंबल खा रहा है, वो फंजाई से भी रिजेंबल खा रहा है, वो प्लांट से भी रिजेंबल खा रहा है. फिर से यही चीजें तुम्हें पता चल रही है कि प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है. रीजन प्रूफ दे सकते हो आप. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट रिजेंबल्स टू एनिमल्स, दैट रिजेंबल्स टू प्लांट्स, दैट रिजेंबल टू फंजाई, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है? और देखो, ये जो स्पोर्स है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट स्पोर्स आर dispersed by air currents or winds. अब देखो, types है नहीं NCERT में, तो types discuss नहीं करेंगे, but आपको थोड़ा समझाने के लिए ये देखो diagram है. ये life cycle है किसका बच्चों? ये life cycle है slime molds का. तो ये देखो, ये एक plasmodium है. So this plasmodium, ये vegetative stage है. There is no cell wall. That is why it is said to be that the protoplast is naked. धीरे धीरे ये मेच्योर कर रहे हैं, ठीक है? मेच्योर करने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको फ्रूट बनाना है. फ्रूट का मतलब फ्रूटिंग बॉडीज बनानी है. वॉट इज फ्रूटिंग बॉडी? यू कैन सी यहां पर क्या बन रहा है? स्पोरेंजिया. ये स्पोरेंजिया भी छोटा है, अभी इसके अंदर तुम्हें स्पोर्स नहीं दिखाई देंगे, अपने अपने छोटे स्टेज में है, मेच्योर नहीं हुआ है सेक्सुअली. फिर धीरे धीरे आपको ये मेच्योर स्पोरेंजिया कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा. और इस मेच्योर स्पोरेंजिया में आप देखो क्या बन रहा है, यहां पर बन रहे हैं बहुत सारे स्पोर्स. ये स्पोर्स कब बन रहे हैं? मियोसिस के बाद. तो ऐसी मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? स्पोरिक मियोसिस. और स्पोरिक मियोसिस के बाद यू आर गेटिंग टू सी सो मेनी स्पोर्स. अब ये स्पोर्स क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे. तो ये जर्मिनेटिंग स्पोर्स देखो किस तरीके का सेल्स बना रहे हैं. एमीबॉइड. मतलब जब रिप्रोडक्शन चलती है तो आप देखोगे बच्चों, ये तो सिर्फ एक जनरल लाइफ साइकिल दिया हुआ है, तो जब गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं तो गैमीट्स का शेप अमीबा लाइक है. और अमीबा किसके अंदर आता है? प्रोटोजोआ के अंदर. तो आप खुद देखो, ये प्रोटोजोआ से भी रिजेंबल खा रहे हैं. फिर ये गैमीट्स क्या करेंगे?
फ्यूज करेंगे। सेम सेम का फ्यूजन होता है, इसीलिए सिंग गैमी। देखो यहां पर भी बताया हुआ है, ये गैमीट्स बना रहे हैं, ठीक है। गैमीट्स दो तरीके के बन सकते हैं, अमीबा वाले और यहां पर ये फ्लैजलेटेड वाले। सेम सेम का फ्यूजन हो रहा है, ये दोनों मिल जाए या ये दोनों मिल जाए, वो हो जाएगा सिंग गैमी। और सिंग गैमी से बनेगा जायगोट। जायगोट माइटोसिस से क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जब बनता है, फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन का रिजल्ट है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। उससे क्या बन रहा है? फ्रूटिंग बॉडीज बन रही हैं। तो आप सारा लाइफ साइकिल वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि इनके लाइफ साइकिल्स में यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स के पास टू बॉल्स होते हैं सेल्युलोज वाले, इसलिए प्लांट जैसा फीचर है। इनके लाइफ साइकिल में गैमीट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अमीबा लाइक है, इसलिए प्रोटोजोआ से भी रिजेंबल कर रहे हैं। शुरुआत का जो स्टेज है उसमें सेल वॉल नहीं होता, तो एनिमल जैसा बिहेव कर रहे हैं। फ्रूटिंग बॉडीज बना रहे हैं, तो फंजाई जैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। कहा गया है कि एनिमल्स जो इवॉल्व हुए हैं वो इन्हीं से हुए होंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, तो प्रोटोजोआंस को मार्क कर दोगे। इनका जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट इज हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ मे बी कौन सा? या तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, प्रीडेटर होंगे, या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एज अ पैरासाइट रहेंगे न्यूट्रिशन लेने के लिए। और दोनों ही हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। और इसके आप चार टाइप्स पढ़ोगे। कौन कौन से चार टाइप्स हैं? एक पढ़ोगे आप एमीबॉयड वाला, जिसमें अमीबा आ जाएगा, एमीबॉयड प्रोटोजोअंस, ठीक है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जब प्रोटिस्टा को डिवाइड क्लासिफाई किया था, ठीक है, प्रोटिस्टा को डिवाइड क्लासिफाई किया था बच्चों, तो सार्कोडाइंस लिखा था। तो ये पुराना नाम है सार्कोडाइंस वगैरह, जिसमें उसमें वो मेंबर्स आते थे जो अमीबा लाइक होते थे, या कह सकते हो सीडोपोडिया वाले, ठीक है। अब जो हम नाम पढ़ते हैं वो एमीबॉयड प्रोटोजोअंस के नाम से पढ़ते हैं। और क्या पढ़ोगे? जिसमें फ्लैजला वाला हो, जैसे वहां पर हमने लिखा था ना जू फ्लैजलेट्स, ठीक है। जू क्यों लिखा था? क्योंकि एनिमल जैसे होते हैं प्रोटोजोअंस, और जो फ्लैजला वाले प्रोटोजोअंस है उसको जू फ्लैजलेटेड, बट हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअंस, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी हो गई। फिर जिसमें सीलिया होता है, तो दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोअंस। जिसमें स्पोर्स बनते हैं, सो दे आर सेड टू बी स्पोरोजोअंस, स्पोरोजोअंस, ठीक है। तो एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को ही हम इस्तेमाल करेंगे पूरा का पूरा समझने के लिए। इसमें सारे एनसीईआरटी की लाइंस है बच्चों। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इनका हैबिट और हैबिटेट। हैबिट कि वेदर दे आर पैरासाइट, और हैबिट पैरासाइट है या फ्री लिविंग है, और हैबिटेट में हम डिस्कस करेंगे वो रहते कहाँ हैं, फ्रेश वाटर है, टेरेस्ट्रियल है, कहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहला देखो हम बात करेंगे एमीबॉयड प्रोटोजोअंस की। तो एमीबॉयड प्रोटोजोअंस जनरली दे आर फ्रेश वाटर, ये सी वाटर में भी मिल सकते हैं, और ये कहाँ पर मिल सकते हैं? सॉइल में। और जनरली क्या होते हैं बच्चों? फ्री लिविंग, बट फ्यू फॉर्म्स आर पैरासाइट्स आल्सो। फ्री लिविंग का मतलब होता है जब इसको होस्ट की जरूरत ना रहे अपने सर्वाइवल के लिए। पैरासाइट तब हम बोलते हैं जब ये होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। फ्लैजिलेटेड मतलब, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा बच्चों, दे वुड हैव फ्लैजिला एज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कैसे है बच्चों? ये पानी में मिल सकते हैं, हैबिटेट इनका एक्वेटिक है। और हैबिट की बात करो तो दे कैन बी फ्री लिविंग और दे कैन बी पैरासिटिक, सेम इसी के तरीके से। सिलिएटेड में देखो ये मरीन में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? पैरासाइट, ठीक है। यहाँ पर फ्री लिविंग नहीं लिखा हुआ है। और स्पोरोजोअंस के लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जितने भी स्पोरोजोअंस होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, वो हमारे अंदर आके करता है ना, क्यों? क्योंकि अंदर हमारे स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोअंस को हम स्पोरोजोअंस बोलते हैं, और वो हमेशा होस्ट के अंदर ही रहते हैं, इसीलिए ऑल आर एंडोपैरासाइट। उसके बाद है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इनके पास अमीबा है, अमीबा के पास हाथ पैर तो होता ही नहीं, ना कोई फ्लैजेला होता है। ये इसी सीडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको हम अमीबॉइड मूवमेंट भी बोलते हैं। इस सीडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फॉल्स फीट, ठीक है, असली का पैर नहीं है, बट सिंस इट इज हेल्पिंग इन द मूवमेंट ऑफ अमीबा, लोकोमोशन ऑफ द अमीबा, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी फॉल्स फीट। यहां पर इनका नाम ही फ्लैजेलेटेड इसलिए बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। सीलिएटेड क्यों? बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ सीलिया।
ये तो दूसरे बॉडी के अंदर रह रहा है, तो इनको क्या जरूरत है? जैसे हमारे अंदर आता है प्लाज्मोडियम, हमारे ब्लड को इस्तेमाल करेगा फ्री फंड में ट्रैवल करने के लिए. सो दे डू नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इट इज एब्सेंट. उसके बाद स्पेशल फीचर में ये एनसीईआरटी की पॉइंट्स लिखी हुई है बच्चों, कि इनके पास कुछ फॉर्म्स में शिलिका के शेल्स मिलते हैं. ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत रेयरली शो करते हैं और जनरली ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहते हैं. ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकते हैं. सिम्बायोटिक आपको पता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को जब फायदा हो तो सिम्बायोटिक हम बोलते हैं. ये एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं, ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि दे आर पैरासिटिक. कमेंसल आप क्लास 12 की इकोलॉजी में पढ़ोगे बच्चों. कमेंसल वर्ड हम तब बोलते हैं जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें बट एक ही को फायदा हो दूसरे को कोई फायदा ना हो. जैसे मैंगो, मैंगो का पेड़ जब देखोगे तो उसके आसपास तुम ऑर्किड्स देखोगे, ऑर्किड्स लिपटे हुए होते हैं, तो ऑर्किड्स को शेल्टर मिल रही है मैंगो के साथ रह करके, बट इन रिटर्न मैंगो को कोई नहीं फायदा हो रहा. इसीलिए ऐसे रिलेशन को हम कमेंसलिज्म बोलते हैं. तो ये भी इस तरीके का एसोसिएशन शो कर सकते हैं. उसके बाद सिलिकेटेड प्रोटोजोअन्स के बाद पास प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो खाना लेते हैं, इंजेशन, दैट इज गुलेट, एंड प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है फॉर द इजेशन, समान अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए. इनके पास इन्फेक्शियस पोर लाइक स्टेज है. ठीक है, और ये पूरी की पूरी तुम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ोगे क्लास 12 की जूलॉजी में. ठीक है, तो इन्फेक्शियस पोर लाइक स्टेज मिलती है लाइफ साइकिल्स ऑफ स्पोरोजोअन्स पे. फिर एग्जाम्पल है तो आपको पता है इसमें सारे अमीबा वाले आ जाएंगे, एंट अमीबा आ जाएगा जो द वन विच कॉजेस डिसेंट्री. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपैनोसोमा, द वन विच कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. यहाँ पर आपको पता है बच्चों क्या आ जाएगा, पैरामीशियम. पैरामीशियम आप बनाते भी हो, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलियाज आर प्रेजेंट ओवर दी बॉडी. फ्लैजिला और सीलिया में यही तो फर्क है, फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है, सीलिया का साइज छोटा होता है. फ्लैजिला कम नंबर में होता है, सीलिया बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं. और यहां पर हमारा फेवरेट, द फेवरेट प्लाज्मोडियम जो बहुत नॉटी होता है, इसलिए एनसीईआरटी इसको मोस्ट नोटोरियस बोलती है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है दो होस्ट को इस्तेमाल करते, एक तो फेवरेट उसके हम और हमारा फेवरेट डेडलीएस्ट एनिमल जिसपे आपने भी शॉर्ट्स भी देखा है, दैट इज, देखा होगा ना अभी एक शॉर्ट, डेडलीएस्ट एनिमल मच्छर. ठीक है, अगर काट जाएगा तो एक घंटे तक हमें खुजली होती रहती है ना. सो इट इज मोस्ट नोटोरियस. ठीक है, और उसके अंदर अगर प्लाज्मोडियम है वो इंजेक्ट करके छोड़ देगा और हमें हो जाएगा मलेरिया. और एक और लाइन लिखी हुई है दैट इट हैज स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो यार एनसीईआरटी से ना क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़े रहोगे तो बता दोगे वो कौन है, प्लाज्मोडियम. पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नोटोरियस प्रोटोजोअन्स, पढ़े रहोगे तो बता दोगे, दैट इज प्लाज्मोडियम, एनसीईआरटी की लाइन है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, वी गॉना डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ किंगडम फंजाई. ठीक है, पूरा का पूरा किंगडम फंजाई आज खत्म नहीं होगा. क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, वी गॉना डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. यहाँ पर हम बेसिकली जनरल फीचर के बारे में बात करेंगे फंजाई के. सो फंजाई क्या है? फंजाई हमने पढ़ा हुआ है दैट इज एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक, व्हाई हेटरोट्रॉफिक? सिंस दे आर ऑल्सो ए क्लोरोफिलस. तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे देखभाल करते हैं अपनी न्यूट्रिशन की? हेटरोट्रॉफिक में ये तीन तरीका इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिशन लेने का. दे कैन हैव सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स दे गोना फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, या तो ये एज अ पैरासाइट रह सकते हैं प्लांट और एनिमल के ऊपर और वहां से न्यूट्रिशन चूस लेंगे, खा लेंगे, या पैरासाइट की जगह हम इसको पैरासिटिक ले सकते हैं. और ये क्या शो कर सकते हैं? दे कैन बी सिम्बायोटिक, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह करके वहां से खाना ले ले, जैसे ये एल्गी के साथ रह लेते हैं. ठीक है, और एल्गी अपना खाना बनाएगा, उस खाने को ये ले लेंगे. तो ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है, बट सबसे ज्यादा जो तरीका ये अपनाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, दैट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, उसके बाद आपको फंजाए हर जगह दिखी जाएगा. व्हाई? बिकॉज इट इज कॉस्मोपॉलिटन.
कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है अकर एवरीवेयर. इट कैन बी प्रेजेंट ऑन ट्रीज, इट कैन बी प्रेजेंट ऑन सॉइल, इट कैन बी प्रेजेंट ऑन डंग. ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. दैट इज वाई से वी से दैट इट इज कॉस्मोपॉलिटन. इनका फेवरेट कंडीशन रहने का कौन है? वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन. ये इनका फेवरेट प्लेस है फेवरेबल कंडीशन की ग्रोथ के लिए. तभी तो यार, जब गर्मी ज़्यादा होती है, ह्यूमिड ज़्यादा होता है, तो हमें अपनी सब्जियों को फ्रिज के अंदर रखना पड़ता है, जैसे वो मौसम आ चुका है. नहीं तो सर्दी में अगर एक दिन भी किचन में सब्जी सर्दियों में छूटी रह जाए तो सड़ती नहीं थी, ख़राब नहीं होती थी, बट अब हो जाएगी बिकॉज दे आर गेटिंग देयर फेवरेबल कंडीशन. वो शुरू हो चुका है कंडीशन, तो इस टाइम पर फंगस की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है. इसीलिए हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है कि हम अपने खाने को फ्रिज में रख देते हैं इन्हीं से बचाने के लिए. ठीक है, और फिर एनसीईआरटी की और लाइन लिखी हुई है, दे आर डाइवर्स इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. ऑब्वियसली बच्चों, आप पढ़ोगे डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, तो डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट फंजाई हैं, तो ऑब्वियसली डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होगी. और वैसे तो आप देख ही रहे हो कि अलग अलग हैबिटेट में ये मिल ही सकते हैं. सो दैट इज वाई एनसीईआरटी राइट्स दैट दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. और जनरली आपने फंगस को बोलते हो मोल्ड्स, ठीक है, इसीलिए स्लाइम मोल्ड्स में वो मोल्ड्स वर्ड आ रहा था, तो आपको समझ में आ गया था ये फंजाई से रिलेटेड है. ठीक है, फंजाई से रिलेटेड है. इनकी जो बॉडी होती है ना, इनकी जो बॉडी होती है, हम ऐसी बॉडी को बोलते हैं थैलॉइड. थैलॉइड वर्ड का हम इस्तेमाल तब करते हैं when body is not differentiated. जैसे आपको हमारी बॉडी को देख करके लगता है सर, पैर, आंख, सब कुछ नजर आ रही है. प्लांट की बॉडी को देख करके लगता है, अगर हाइयर प्लांट है तो आपको दिखाई देगा रूट, स्टेम, लीफ. यहाँ पर ऐसे जब ब्रेड पे फंगस लग जाता है, आपको क्या समझ में आता है? कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि वहाँ की बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है ही नहीं. फंगस की बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती नहीं है. और ऐसे अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं? थैलॉइड. ठीक है, कभी कभार आपको बॉडी का नाम एनसीईआरटी में थैलॉइड मिल सकता है, थैलॉइड, या आपको माइसीलियम मिल सकता है. ठीक है, दोनों ही वर्ड एनसीईआरटी इस्तेमाल कर लेती है. माइसीलियम. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत थिन लाइन डिफरेंस है. थायलॉइड इज अ सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इस तरीके का अगर फंजाई का बॉडी हो तो हम उसको बोलते हैं हाइफी. और जब नेटवर्क हो हाइफी का, मतलब बहुत सारे धागे हो, उस नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोला जाता है? उस नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम बोलते हैं माइसीलियम. क्या बोलते हैं बच्चों? माइसीलियम. ठीक है, और वैसे भी आपको पता है बच्चों, तो दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, ये कैसा किंगडम है? यूकैरियोटिक किंगडम. तो ऑब्वियसली इसके पास सारे यूकैरियोटिक फीचर होंगे. प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, प्रेजेंस ऑफ ATS राइबोसोम्स, प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ठीक है, सो वी ऑलरेडी नो दिस. और चीज, इसकी जो मेन बॉडी होती है, हमें पता है उसकी बॉडी का नाम क्या है. ठीक है, बट उसकी जो मेन बॉडी होती है, अगर आपसे प्लॉयडी पूछी जाए तो याद रखना फंगस क्या होते हैं? हैप्लॉयड. जैसे हमसे पूछा जाए हम क्या हैं, तो हम बोलेंगे हम हैं डिप्लॉयड. क्यों? क्योंकि हमारे सेल में एवरी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन सेक्स. अगर मैं फंजाई को हैप्लॉयड बोल रही हूँ, दैट मीन्स इनके सेल में एवरी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन सिंगल सेट, डबल सेट में नहीं है, टू सेट में नहीं है. टू सेट होता तो हम उसको डिप्लॉयड बोलते हैं. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि थैलॉयड का प्लॉयडी बताना, तो एन. ठीक है, माइसीलियम की प्लॉयडी बताना एन, क्योंकि ये सारे इनके बॉडी के ही नाम है, तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे बच्चों? हैप्लॉयड होंगे. क्लियर है? अब एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी बताती तो नहीं है, नाम लिख देती है ना. तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है जनरल फीचर में नहीं, जब क्लासेस पढ़ाई है तो वहां पर लिखा हुआ है, बट हम पहले ही पढ़ लेंगे. इन्होंने हाइफी के बारे में लिखा हुआ है. हाइफी दो तरीके की पॉसिबल है बच्चों, एक एसेप्टेट हाइफी और एक सेप्टेट हाइफी. तो लिख लेते हैं, एक क्या है? एसेप्टेट हाइफी और दूसरा सेप्टेट हाइफी.
क्या फर्क है बच्चों एसेप्टेट और सेप्टेट में? एसेप्टेट हाइफी क्या होता है? ये देखो, ए मींस एब्सेंट, क्या एब्सेंट है? सेप्टा इज एब्सेंट, सेप्टा एब्सेंट। सेप्टा क्या होता है बच्चों? क्रॉस वॉल, या समझ लो दरवाजा, ठीक है, दो के बीच में, दो सेल के बीच में। सेप्टेट बोल रही हूं, दैट मींस सेप्टा इज प्रेजेंट, सेप्टा इज प्रेजेंट। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लो ये हाइफी है, या कह सकते हो ये माइसीलियम है, यहां पर भी माइसीलियम बना दिया है, यहां पर मैं बना रही हूं न्यूक्लियस, यहां पर भी बना दिया न्यूक्लियस, यहां पर दो न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए क्रॉस वॉल मौजूद है, कैन यू सी? ठीक है, और इसी क्रॉस वॉल को क्या बोला जा रहा है? सेप्टा। तो जब हाइफी या माइसीलियम में सेप्टा मौजूद हो, ऐसे हाइफी को बोलते हैं सेप्टेट। और जब यहां पर यू कैन सी दो न्यूक्लियस के बीच में कोई सेप्टा नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं ऐसी हाइफी को एसेप्टेट। ऐसा लग रहा है ये एक सिंगल ट्यूब है, और इस सिंगल ट्यूब में कोई चैम्बर तो है नहीं। क्यों कोई चैम्बर नहीं है? क्योंकि कोई वॉल सेपरेट नहीं कर रही, तो सिंगल ट्यूब में ऐसा लग रहा है बहुत सारे न्यूक्लियस भरे हुए हैं। सो इट इज अ सिंगल ट्यूब, एनसीईआरटी की लाइन है, फिल्ड विथ मैनी न्यूक्लियाई, फिल्ड विथ मैनी न्यूक्लियाई। और जब मैनी न्यूक्लियाई कंडीशन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन। और फंजाई में उस मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनोसिटिक कंडीशन। तो एसेप्टेट हाइफी जहां पर होगा, वहां पर तुम्हें ये सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन हाइफी के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। और यहां पर हम एक एक चैम्बर को लेकर के देखें, तो इसमें एक न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एसेप्टेट किसके पास होता है। एसेप्टेट मिलेगा सबसे प्रिमिटिव फंजाई के पास, जिसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के पास एसेप्टेट हाइफी मिलता है, और किसके पास? इसीलिए जब एनसीईआरटी में फाइकोमाइसिटीज पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं, उनकी हाइफी एसेप्टेट होती है। इतना लिख करके छोड़ दिया, समझाया कुछ नहीं है, ठीक है, और ये लाइन लिख करके छोड़ दी है, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसेप्टेट, व्हाट डज एसेप्टेट मींस, ठीक है। और जब आप एस्कोमाइसिटीज पढ़ोगे, तो वहां पर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है हाइफी सेप्टेट, समझाया कुछ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और एक और है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन तीनों में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? सेप्टा वाला हाइफी प्रेजेंट होता है। अब सेप्टेट में भी दो कंडीशन आती हैं, ठीक है, सेप्टेट हाइफी में भी दो कंडीशन है। एक है, एक का नाम होता है बच्चों प्राइमरी माइसीलियम, दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी। तो सेप्टेट हाइफी या सेप्टेट माइसीलियम, दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। वन इट इज सेड टू बी प्राइमरी माइसीलियम, या इसको वेजिटेटिव माइसीलियम बोलते हैं, या इसको यूनिकैरियोटिक माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? दूसरा टाइप जो है उसका नाम है सेकेंडरी माइसीलियम, या इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव माइसीलियम, या इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। नाम से थोड़ा थोड़ा शायद आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम हाइफी बनाएंगे जब तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूनि का मतलब क्या होता है बच्चों? वन न्यूक्लियस। जब चैम्बर में एक एक न्यूक्लियस मौजूद हो, ठीक है, यहां पर ये देखो सेप्टा बना दिया, और हर एक सेप्टा के अंदर यू कैन सी प्रेजेंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, उसकी प्लॉयडी क्या होगी? एन। यहां पर क्या होगा, मान लो अगर ये सेप्टा है,
ठीक है, तो आपको हर के अंदर दो दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है, टू, और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियाई, ठीक है। एक का एन, दूसरे का एन, तो हम इसको बोलते हैं एन प्लस एन, एन प्लस एन स्टेज। और इस एन प्लस एन स्टेज को क्या बोला जाता है बच्चों, डाई कैरियन स्टेज। तो जब एक फंजाई इस तरीके का रूप ले ले, कैसे बनता है वो आप आगे पढ़ोगे रिप्रोडक्शन में। जब एक फंजाई की हाइफी में दो दो न्यूक्लियाई दिखाई देने लगे, डाई कैरियन स्टेज बनने लगे, तो समझ जाना वो हाइफी अपने किस स्टेज में है, रिप्रोडक्शन वाले स्टेज में है। इसीलिए ऐसे हाइफी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव हाइफी और रिप्रोडक्टिव माइसीलियम। उसका दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी माइसीलियम। जब एक एक ही रहे, दैट मीन्स वो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो अपने वेजिटेटिव फेज में है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी माइसीलियम। अब ये वाला कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, ये वाला आपका एस्को में भी पॉसिबल है, ठीक है। और कहाँ पर पॉसिबल है, बेसीडियो में, बेसीडियो में और ड्यूटेरो में, ड्यूटेरो में, ड्यूटेरो माइसिटीज। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है बच्चों, ये वाला डायग्राम, ये बिल्कुल सेप्टेट वाला ही है ना। तुम इस, क्योंकि यहां पर भी एक एक न्यूक्लियस है, तुम इसको भी इटसेल्फ प्राइमरी बोल सकते हो, इसको भी वेजिटेटिव बोल सकते हो, इसको भी यूनिकैरियोटिक बोल सकते हो, इसलिए एग्जाम्पल इधर भी और उधर भी सेम है। और यही माइसिलियम जब रिप्रोड्यूस करने लगे तो ये किसका रूप ले लेगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी माइसिलियम में, सेकेंडरी माइसिलियम में, ठीक है। तो सेकेंडरी माइसिलियम किसमें मिलेंगे, ये मिल सकता है जहां जहां रिप्रोडक्शन चले, तो ये मिलेगा एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। आप देखो मैंने ड्यूटेरोमाइसिटीज का नाम नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन केस ऑफ ड्यूटेरो, एंड दैट इज द रीजन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रही है तो कहीं के लिए एन प्लस एन बनाएंगे, बनाते ही नहीं है, दैट इज वाई द स्टेज इज एब्सेंट इन केस ऑफ ड्यूटेरो, दिस केस इज एब्सेंट इन केस ऑफ ड्यूटेरो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है, आप देखो मैंने जानबूझ के जब पोर बनाया है, मतलब जब सेप्टा बनाया है, तो ये सेप्टा कंटिन्यूस नहीं है, दिस सेप्टा इज नॉट कंटिन्यूस, यहां पर पोर प्रेजेंट है, तो दैट इज सेप्टल पोर, ठीक है, दैट इज सेप्टल पोर। तो सेप्टल पोर भी वहीं दिखाई देगा बच्चों जहां पर सेप्टा होता है, और सेप्टा कहां कहां होता है, एस्को में, बेसिडियो में, ड्यूटेरो में। बेसिडियो में एक एक्सेप्शन है, ज्यादा नहीं बता रही बच्चों, क्योंकि इतना ज्यादा आपको आएगा नहीं, सिर्फ इतना याद रखना कि यहां पर सेप्टल पोर, ठीक है, इज एब्सेंट इन रस्ट एंड स्मट फंजाई, रस्ट एंड स्मट फंजाई एग्जाम्पल्स होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के। इनमें जो सेप्टल पोर होता है, नाम बता देती हूँ, याद मत रखना, डॉली पोर, दैट इज एब्सेंट, ठीक है। और सेप्टल पोर के भी टाइप्स होते हैं, नॉट नेसेसरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, सो वी आर नॉट टेकिंग इट, ओके बच्चों। नेक्स्ट है, हाइफी पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, तो दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। इनका जो रिजर्व फूड होता है, रिजर्व फूड कौन सा होता है बच्चों, रिजर्व फूड होता है इनका ग्लाइकोजन प्लस ऑयल। इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल कैसा होता है बच्चों, सेल वॉल काइटिन का बना होता है, काइटिन क्या होता है, होमो पॉलीमर ऑफ नैग, नैग इज व्हाट, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसकी चेन होती है बच्चों, ये शुगर है एक तरीके का, और ये शुगर जब चेन बनाता है, इसकी पॉलीमर्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ
काइटिन, काइटिन इनका सेल वॉल होता है, ठीक है, और इनके पास एक ही सिस्टर्ना वाली गोल्जी होती है, सो दे हैव यूनी सिस्टर्नल गोल्जी बॉडी, ठीक है। जो इनका हाइफी होता है आपको पता है वो अपने वेजिटेटिव स्टेज में भी हो सकते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव स्टेज में। तो यार आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड है, ब्रेड आप लाते हो मार्केट से खरीद के, ठीक है, उसके बाद उस पर एक डेट लिखी होती है कि यूज बाय दिस टाइम, ठीक है, चार दिन का पीरियड होता है, कहते हैं ख़त्म कर दो। आपने पाँचवें दिन ब्रेड उठाई तो आपको कुछ उस पर दिखाई नहीं देता, वैसे वो एक्सपायरी नहीं होता, बस वो कह रहे इतने टाइम तक यूज़ कर लो, क्योंकि अगर वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन मिला तो फंजाई ग्रोथ कर जाएगी। तो आप नौवें दसवें दिन दे रहे हो तो खाना नहीं चाहिए हमें, रीज़न बींग कि हो सकता है उस पर फंजाई हो, पर वो फंजाई आपको दिखाई ना दे रहा हो, क्यों? क्योंकि वो फंजाई अभी वेजिटेटिव स्टेज में है, उसने अभी रिप्रोड्यूस किया ही नहीं है। अब वही ब्रेड जो आप खाने वाले थे उसको ना खा करके उसको छोड़ दो, कुछ दिन के बाद आप उसमें देखोगे कि आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स देखने को मिलते हैं, वो ब्लैक डॉट्स दे आर नथिंग बट फंजाए, जो फंजाए ब्रेड पर दिखते हैं उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। तो आखिरकार बाद में क्यों दिखने लगा? क्योंकि बाद में उस फंजाई ने किया रिप्रोड्यूस, और रिप्रोडक्शन के दौरान उसने बनाए बहुत सारे स्पोर्ट्स, और इतने सारे स्पोर्ट्स बनाते हैं कि वो स्पोर्ट्स विजिबल हो जाते हैं, और स्पोर्ट्स बनते ही यू गॉट टू नो, मतलब आपको पता चल जाता है कि भैया ये देखो फंजाई आ चुका है, ठीक है। तो जब नहीं दिख रहा है दैट मीन्स वो अपने वेजिटेटिव स्टेज में है, जब वो विजिबल हो जाए दैट मीन्स उसने रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे स्पोर्ट्स बना दिए, और वही स्पोर्ट्स आपको दिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ है याद रखनी है, ओके। सो हमने यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी तक समझ लिया है, सारा सेल वॉल उसका जो जनरल फीचर है वी हैव कवर्ड दैट। इसके बाद हम क्या बात करेंगे बच्चों? इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन, हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन केस ऑफ फंजाई। तो चलो और स्टार्ट करते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों वो तीन तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक पढ़ोगे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक पढ़ोगे एसेक्सुअल, ठीक है, और दूसरा पढ़ोगे सेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई थ्री टाइप्स। पहला है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव आपको पता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम तब बोलते हैं जब वेजिटेटिव सेल्स इन्वॉल्व हो। तो इसमें तीन है, एक है फ्रेगमेंटेशन, जब उनका सेल टूटे फ्रेगमेंट करे, और फ्रेगमेंटेड सेल विल गिव राइज टू अ न्यू फंजाई, तब हम ऐसे को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा फिजन, वेजिटेटिव सेल टूट करके दो डॉटर सेल बना ले, फिजन का मतलब टूटना होता है, तो उस एबिलिटी को हम बोलते हैं फिजन। और तीसरा आपको पता है बच्चों बडिंग, ठीक है। बडिंग में क्या होता है बच्चों? सेल्स होती हैं, ये देखो ये जो छोटा सेल इसके ऊपर बन गया है दिस इज कॉल्ड एज बड, और ये बड अपने आप को यहां से डिटैच कर लेता है और ग्रो करके नया फंजाई बना लेगा। ये जनरली किसमें कॉमन होता है? ईस्ट में। तो ये तीन तरीके का रिप्रोडक्शन का टेक्निक है, कैसा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच इज सीन इन केस ऑफ फंजाई। जो दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे बच्चों दैट इज एसेक्सुअल। द सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हाट हैपेंस? इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, ठीक है। सो स्पोर्स जो है बच्चों, आप पढ़ोगे हम थ्री टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर डिस्कस करेंगे, जो बैक्टीरिया में इन्वॉल्व होते हैं और हेल्प करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट बिफोर टेकिंग दिस थ्री टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, मैं आपको कुछ जनरल वर्ड्स बताना चाहती हूं। अगर इन स्पोर्स में, इफ स्पोर्स हैव फ्लैजिला, तो ऐसे स्पोर को बोला जाता है प्लानोस्पोर। तो अगर मैं आगे वर्ड लिख रही हूं प्लानोस्पोर, समझ जाना वो मोटाइल स्पोर है।
क्यों मोटाइल स्पोर है? बिकॉज दे कंटेन फ्लैजेला. इफ स्पोर्स डज नॉट हैव फ्लैजेला, इफ स्पोर्स डज नॉट हैव फ्लैजेला, ठीक है, ऐसे स्पोर को बोलते हैं ए प्लानोस्पोर. ए का मतलब समझ जाना, फ्लैजेला इज एब्सेंट, और ऐसे स्पोर को बोला जाता है नॉन मोटाइल स्पोर. ये जो स्पोर्स होते हैं बच्चों, या तो स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे या तो बाहर, हाइफी के बाहर. सो इफ फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम, इनसाइड स्पोरेंजियम, तो इनके ओरिजिन को क्या बोला जाता है? इनके ओरिजिन को बोला जाता है एंडोजीनस. क्या बोला जाता है? एंडोजीनस. और अगर इफ दे आर फॉर्म्ड आउटसाइड स्पोरेंजियम तो इनको बोला जाता है एक्सोजीनस. एंडो को रिलेट करना अंदर से, क्योंकि अंदर की तरफ बन रहे हैं. बाहर बने तो उसको बोलोगे एक्सोजीनस. एग्जिट से रिलेट करना, एग्जिट का मतलब बाहर जाना. तो ये एक जनरल वर्ड है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे जब हम एसेक्सुअल स्पोर्ट्स पढ़ेंगे. तो एक एक करके सारे स्पोर्ट्स डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. तीन ही हमारे एनसीईआरटी में है. सबसे पहले बात करते हैं हम जू स्पोर की. जू स्पोर, इट इज फॉर्म्ड इनसाइड जू स्पोरेंजियम. इट इज फॉर्म्ड इनसाइड जू स्पोरेंजियम, क्योंकि ये जू स्पोरेंजियम के अंदर बने हैं तो इनका नेचर ओरिजिन कैसा होगा? एंडोजीनस होगा. स्पोरेंजियम वो होता है, स्पोरेंजियम बैग है, जिस बैग के अंदर जू स्पोर बने वो जू स्पोरेंजियम है. और ये जो जू स्पोर होते हैं बच्चों, प्लानोस्पोर होते हैं. प्लानोस्पोर मतलब मोटाइल स्पोर. मैं यहाँ पर ये कोई स्पेसिफिक क्लास, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं लिख रही हूँ कि किस फंजाई में जू स्पोर बनता है, क्योंकि जब मैं आपको कल टेबल पढ़ाऊंगी तो सब ऑटोमेटिकली उसमें लिखा रहेगा कि किस क्लास में जू स्पोर बन रहा है, किस में स्पोरेंजियोस्पोर, किस में कोनिडिया. तो यहाँ एग्जाम्पल लिख करके हम अपने आप को कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे. नेक्स्ट जो हम टाइप ऑफ स्पोर पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर. कौन सा स्पोर है? स्पोरेंजियोस्पोर. स्पोरेंजियोस्पोर क्या होती है बच्चों? स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर जो होता है दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम, क्योंकि ये भी स्पोरेंजियम के अंदर बनता है. इसका भी ओरिजिन कैसा है? एंडोजीनस. बट इसके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता, दैट मीन्स ये कैसा है? ए प्लानोस्पोर. और आई गेस इसका डायग्राम तुम 11th क्लास में भी बना, सॉरी 9th क्लास में भी बनाते होगे. इस तरीके के दिखते हैं ये. ये देखो, ये रहा इसका स्टॉक और ये रहा ये बैग. इस बैग को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर बनता है नॉन मोटाइल स्पोर, और इस नॉन मोटाइल स्पोर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है. और जिस डंडी पर ये स्पोरेंजियम टिका है उसको क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियोफोर. फोर का मतलब क्या होता है बच्चों? फोर का मतलब होता है डंडी, स्टॉक, क्योंकि स्टॉक के ऊपर स्पोरेंजिया टिका हुआ है. इस डंडी को क्या बोला जा रहा है? स्पोरेंजियोफोर. और ये जो स्टराइल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कॉल्यूमेला. ये हेल्प करता है स्पोरेंजिया की बस्टिंग में, मतलब ये बर्स्ट करता है, फटता है, तो ये स्पोरेंजियोस्पोर बाहर आता है, ठीक है तो स्पोर ही, फिर ये स्पोर जर्मिनेट करेगा टू फॉर्म न्यू फंजाय, ठीक है. तीसरा है बच्चों द मोस्ट कॉमन. ये सवाल आता है कि मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है. सो द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर इज कोनिडिया. मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर, ज्यादातर जब फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. ये कैसा होता है बच्चों? दे आर फॉर्म्ड आउटसाइड, हाइफी के बाहर, तो इनका नेचर कैसा है? एक्सोजीनस है, ठीक है.
और दे आर ऑल्सो नॉन मोटाइल, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो ए प्लानोस्पोर। जरा इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, जो इसकी मेन स्टॉक होती है बच्चों, इसको बोला जाता है कोनिडियोफोर, क्योंकि ये मेन स्टॉक है, इसी के ऊपर एंड में जाकर के कोनिडिया दिखाई देगा। ये कोनिडियोफोर फिर बाइफरकेट कर गई है, पहले बाइफरकेशन से जो ब्रांच बनती है उसको बोलते हैं रमाए, या बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर ब्रांच। फिर ये जो ब्रांच है फिर बाइफरकेट कर सकती है लाइक दिस, ये भी बाइफरकेट कर सकती है। इस ब्रांच को हम बोलते हैं मेट्यूले, मेट्यूले को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर ब्रांच। और इस ब्रांच के ऊपर आपको एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और इस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, स्टेरिग्माटा, ठीक है। और इस स्टेरिग्माटा के ऊपर बच्चों लाइन से तुम्हें दिखाई देते हैं चेन्स ऑफ कोनिडिया, चेन्स ऑफ कोनिडिया, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज चेन्स ऑफ कोनिडिया। तो यहां पर देखो आपको कोनिडिया की स्पेसिफिक अरेंजमेंट दिखाई दे रही है। जो छोटा वाला कोनिडिया है, यंगेस्ट कोनिडिया एट बेस, एंड ओल्डेस्ट कोनिडिया, ओल्डेस्ट कोनिडिया एट टॉप। और इस तरीके के स्पेसिफिक अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिपिटल अरेंजमेंट। जब कोई यंगेस्ट चीज बेस पर हो और ओल्डेस्ट चीज टॉप पर हो तो हम उसको बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। जैसे पत्तियों में क्या होता है, लीफ में बड़ी लीफ नीचे होती है, छोटी लीफ ऊपर होती है, तो उसको बोलते हैं एक्रोपिटल। ये अरेंजमेंट आप देखो उल्टा है, यंगेस्ट नीचे है छोटी वाली और बड़ा वाला ऊपर है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेसिपिटल। ऐसे रिलेट करके याद रखोगे। तो ये तीन एसेक्सुअल स्पोर हैं बच्चों, जो फंजाई में प्रोड्यूस करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक और तरीका होता है रिप्रोडक्शन का बच्चों, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, द फोर्थ वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी पढ़ोगे बच्चों तो लिखा हुआ है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। इट टेक्स थ्री स्टेप्स टू कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला है प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। इसका क्या मतलब है, मान लो बच्चों ये ए फंजाई है, उसका ये न्यूक्लियस और ये दूसरा फंजाई है, ठीक है। इन दोनों का सिर्फ बाहर बाहर से पहले सेल फ्यूजन होगा, ठीक है, और इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट स्टेप जो होगा बच्चों, दैट वुड बी न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन को क्या कहा जाता है, कैरियोगैमी। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, कैरियोगैमी का होगा, ठीक है। तो जब बाहर बाहर से सेल फ्यूज की है तो अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हमने अभी क्या कहा बच्चों, कैरियोगैमी कहा। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, ये पहला स्टेप था। और जब कैरियोगैमी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, 2n स्ट्रक्चर, और इस 2n स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों, जाइगोट। यार अभी तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि इनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, बट रिप्रोडक्शन के चलते इनके पास जो बॉडी बन गई है वो तो डिप्लॉयड है, दैट मींस हमें दोबारा से हैप्लॉइड बॉडी बनानी पड़ेगी। डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनाने का एक ही तो रास्ता है, मियोसिस करा दो। क्योंकि ये मियोसिस जाइगोट में हो रही है इसलिए इस मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। तो जो लास्ट स्टेप है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म करता है, दैट इज जाइगोटिक मियोसिस। इसके अंदर क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस।
और जाइगोटिक मियोसिस होगा तो एक जब जाइगोटिक मियोसिस होगा तो यू विल गेट फोर हैप्लॉइड स्पोर, क्योंकि मियोसिस दो स्टेज में कंप्लीट होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। पहला मियोसिस वन होगा तो आपको दो डॉटर सेल मिलेंगे, फिर वो डॉटर सेल मियोसिस टू में जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल हैव फोर हैप्लॉइड स्पोर। ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन। तो ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, ये स्पोर्स फिर क्या करेंगे बच्चों, दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड बॉडी ऑफ फंजाई, हैप्लॉइड बॉडी ऑफ फंजाई। तो इस तरीके से देखो फंजाई रिप्रोड्यूस करेगा, तीन स्टेप लेगा, प्लाज्मोगेमी, ठीक है, जिसमें सेल सिर्फ बाहर बाहर से फ्यूज करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगी। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी जायगोट को बनाने के लिए, और तीसरा स्टेप चलेगा मियोसिस। कौन सी मियोसिस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जायगोटिक मियोसिस। कौन सी मियोसिस, जायगोटिक मियोसिस। जहां जहां पे जायगोटिक मियोसिस होगी बच्चों, वहां वहां पर मेन बॉडी हैप्लॉइड ही होगी, और मेन बॉडी हैप्लॉइड है, ज्यादातर जो बॉडी हैप्लॉइड है तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होगी बच्चों, हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल, क्योंकि यहां पर हैप्लॉइड जनरेशन डोमिनेंट है, सिर्फ जायगोट ही बन रहा है 2N वाला। तो याद रखना जहां पर मेन बॉडी हैप्लॉइड है वहां जायगोटिक मियोसिस होगा, और जहां पर ये होगा जनरली वहां पर लाइफ साइकिल कैसे होती है, हैप्लोंटिक। इसके बारे में और जानकारी मिलेगी जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्को एंड बेसिडियो टेक्स द हेल्प ऑफ एडिशनल स्टेज दैट इज डाइकैरियन स्टेज। ये डाइकैरियन स्टेज कहां दिखाई देता है, डाइकैरियन स्टेज इज N+N स्टेज, एंड दिस स्टेज इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, ठीक है। दैट मींस बेसिडियो और एस्को में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो तीन स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा, इनके पास एक एडिशनल स्टेज मौजूद होता है, दैट इज डाइकैरियन स्टेज। है क्या ये डाइकैरियन स्टेज, देखो जब प्लाज्मोगेमी चलती है बच्चों तो दो सेल का ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वगैरह जो भी प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो फ्यूज करता है, फिर ये बनता है। ये स्टेज कुछ फंजाई में बहुत प्रोमिनेंट है, किस स्टेज में, किस फंजाई में प्रोमिनेंट है, एस्को एंड बेसिडियो में। और इस प्रोमिनेंट स्टेज को देखो, दो न्यूक्लियस है ना, तो हम इसको N+N डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं। तो जिस भी फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइकैरियन स्टेज मिलेगा तो ये एक एडिशनल स्टेज है जो कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी के बीच में है। तो ये डाइकैरियन स्टेज बच्चों आपको कहां नहीं दिखाई देगी, फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देगा, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ तीन ही स्टेप लेगा, प्लाज्मो कैरियो एंड जाइगोटिक। फाइकोमाइसिटीज प्रिमिटिव तरीके के फंजाई है, पुराने तरीके के, तो ये डाइकैरियन स्टेज नहीं बनाते हैं। डाइकैरियन स्टेज सिर्फ किसमें बनता है, डाइकैरियन स्टेज बनेगा एस्को एंड बेसिडियो में, प्रेजेंट इन एस्को एंड बेसिडियो, ठीक है। यार हमने फाइको का बात कर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बस डाइकैरियन स्टेज नहीं होता। हमने एस्को और बेसिडियो की बात कर ली कि इनके साथ एक एडिशनल स्टेज होता है डाइकैरियन। हमने ड्यूटेरो की कहीं भी बात नहीं की, क्योंकि ड्यूटेरो में बच्चों कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता तो ना प्लाज्मोगैमी दिखाई देगा, ठीक है, ना आपको डाइकैरियन स्टेज दिखाई देगा, ना कैरियोगैमी, ना मियोसिस, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे परफेक्ट तरीका माना जाता है रिप्रोडक्शन का, और ये वही परफेक्ट तरीका मिसिंग है इनमें, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे लैक परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दे लैक परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? सेक्सुअल मोड इज सेड टू बी परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। बार बार कह रही हूं बच्चों, फाइको में सिर्फ डाई कैरियन स्टेज एबसेंट होता है, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट है उनमें, ठीक है, बट इनमें किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये सिर्फ मदद लेंगे ए सेक्सुअल तरीके की अपने रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है बच्चों, ओके। और एक चीज और देखो, ड्यूटेरो में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, दैट मींस डाई कैरियन स्टेज नहीं बनता, इसीलिए यहां पर हमने देखो किसका नाम नहीं लिखा है, हमने ड्यूटेरो का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि ड्यूटेरो में रिप्रोडक्शन ही नहीं होती तो डाइकैरियन स्टेज भी नहीं बनेगा। फिर देखो हमने यहां पर फाइको का भी नाम नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि फाइको में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है बट ये वाला स्टेज प्रेजेंट नहीं होता है, ये नहीं बनेगा, डायरेक्टली दे विल जंप ऑन टू दी कैरियोगैमी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई, पूरी एनसीईआरटी उसी में होगी एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। तो पहला क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल, आपको करेक्ट सीक्वेंस मार्क करनी है, कैरियोगैमी सबसे पहले नहीं होती, मियोसिस सबसे पहले थोड़ी करके बैठ जाएंगे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, यस ये सिंपल तरीका चलता है फाइको में। अगर मैं इसमें यहाँ पर एक और स्टेज ऐड कर दूं एन प्लस एन वाला डाइकैरियन, तो ये तरीका फिर किस में चलेगा? ये चलेगा एस्को प्लस बेसिडियो में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, पेन पेंसिल लेकर के बैठो, मार्क करते चलना, लिखते चलना अपने कॉपी में। सेलेक्ट द नॉन प्रोटेस्टेंट ग्रुप, तो ऑब्वियसली फाइकोमाइसिटिस फंजाएं हैं, प्रोटिस्ट नहीं है, बाकी ये स्लाइम मोल्ड्स प्रोटेस्टेंट फंजाई है, डाइनोफ्लाइजलेट्स और क्राइजोफाइट्स फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। मार्क द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द किंगडम फंजाई बच्चों, दिस इज योर होमवर्क, पूरा पढ़ लिया है ना, अब होमवर्क दे रही हूं, ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल वी ऑलरेडी नो दैट इज काइटिन, क्या है? होमोपॉलीमर ऑफ नैग। सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम डिफरेंट क्लासेस की बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।